नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। कभी हम आबुल कासिम जी के हैं, जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, शतरगंज पंचायत है, वहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं आबुल कासिम जी, जो अभी हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 17 से 18 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आबुल कासिम जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, नल जल योजना की स्थिति क्या है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में ठेकेदार के द्वारा जो नल जल दिया गया है, जिसमें मतलब 14 वार्ड में 14 नल जल तैयार है, सिर्फ उसका जो है अभी जो मतलब डिलीवरी होता है पानी का, वो मतलब सही टाइम पर मतलब दिया नहीं जाता। कहीं पर पाइप फट गया है, कहीं पर मतलब पानी पहुँचता ही नहीं है। किसी वार्ड में जो है अभी मतलब नल जल का पाइप तक नहीं गया, ताकि वो वार्ड बड़ा है, वहाँ दो मतलब नल जल का ज़रूरी है, तो एक ही दिया गया है। एक अभी वहाँ बाकी आश्वासन दिए थे कि वो भी लग जाएगा, अभी तक नहीं लगा है। उस वार्ड नंबर का जैसे कि 1 नंबर वार्ड हुआ, 9 नंबर हुआ, 8 नंबर हुआ, 3 वार्ड में हमारा एक एक नल जल ये जल मिनार का ज़रूरी है। और बाद बाकी जो है जहाँ तक सुविधा होता है पानी का मतलब दे रहा है, अवेलेबल नहीं है। मतलब अधिकारी को बोलते हैं तो सुनता है अधिकारी? नहीं, सुनता तो है। जो अभी मतलब पहले जो ठेकेदार के द्वारा था, मुंशी जो था, वो आके मतलब पाइप ठीक करता था। अब जो फिर मतलब वो PhD में चला गया है, इसलिए अभी उसका मतलब ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसका मतलब जो है अब उपयोग भी नहीं हो रहा है कि भाई आके जल्दी उसको देखा जाए, काम किया जाए, ये अभी नहीं हो पा रहा। राशन की क्या स्थिति है क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो? राशन का तो मतलब ठीक है, राशन का कोई दिक्कत नहीं है। राशन में यही है कि अब एक राशन कार्ड में 4 आदमी का नाम है, जिसमें अब 2 आदमी का रहा, 2 आदमी अपने आप गायब हो जाता है। इसलिए उसके लिए हम लोग प्रयास किए हैं, SDO साहब से भी बात किया गया था। SDO साहब भी बोले हैं कि भाई उसका ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन करने से जो है अपना जाँच हो जाएगा, जाँच के बाद जो है उसका कार्ड बन जाएगा। आप मुखिया हैं क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो जनता के बीच क्या कुछ मूलभूत समस्याएँ निकल करके आती है? हमको तो अब जनता के बीच में जाके जवाब भी देना पड़ता है, जवाब आदमी का बात भी, जनता का बात भी सुनना पड़ता है। कहीं पर रोड नहीं है, कहीं पर रास्ता ख़राब है, कहीं पर मतलब जो है पानी का समस्या है, जहाँ पर नल जल नहीं गया वो समस्या है। हमारा पंचायत में ज़्यादातर अभी रोड गए, थोड़ा 3-4 जगह का परेशानी है, बाद बाकी और सब ठीक ठाक। ये नली गली की क्या स्थिति है क्षेत्र में? नली गली ठीक है, मतलब जो 2 पाइप पेज में जो हमारा मतलब ये नली गली होना था, वो अभी नहीं हुआ है। उसके लिए जो है मतलब राशि आने वाला था, अब तक नहीं आया। राशि के लिए जो है पूरे पंचायत बिहार का जो मुखिया है, सब कोई अपना धरना प्रदर्शन में है। उसके लिए मतलब को लेकर के सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों को जो 2 साल हो गया है, अब तक हम लोगों को राशि सही से नहीं मिल रहा है, और ना मनरेगा का काम हो रहा, पर मनरेगा का जो अभी भंडार बनाया गया है, वो भंडार मतलब इतना दूरी का कर दिया कि उसको ना जान ना पहचान, उसका मतलब ना सामान देता है, ना वो लोग मतलब मटेरियल देता है जो हम लोग काम कर सके। इसलिए मटेरियल का काम मनरेगा में नहीं हो पा रहा है। जो भी थोड़ा वो तालाब का काम हुआ, तो उसके बाद काम बंद है, मनरेगा का काम होता ही नहीं है। लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा है, 3 सालों में पंचायत का विकास आप कैसे कीजिएगा? हम लोग अब तो यही मतलब चिंतित में है सब मुखिया लोग कि भाई अगर राशि आए तो हम लोग, अभी है टाइम, 3 साल का टाइम है, 3 साल के अंदर में सारा व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। परंतु राशि का व्यवस्था अगर हो जाता है, पैसा आने लग जाता है, तो हम लोग तो 3 साल के अंदर में जो जहां काम बाकी है सबको निश्चित तौर पर हम लोग क्लियर कर देंगे। चलिए, थे छतरगंज पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आबुल कासिम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत में अगर सरकार योजनाएँ देती है तो पंचायत में हम काम धरातल पर सही तरीके से कर पाएंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।